ठीक है अरुण जेटली जी अमर रहे अमर रहे अमर रहे अरुण जेटली जी अमर रहे अमर रहे अमर रहे अरुण जेटली जी अमर रहे अमर रहे अमर रहे आज भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में आपने देखा माननीय अरुण जेटली जी जो हमारे बहुत ही कर्मठ नेता थे तो उनके लिए आज हमने ये श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा है। आपको पता है कि पिछले साल उनका देहांत हुआ था तो आज भारतीय जनता पार्टी ने ये डिसाइड किया था कि हमारे जितने भी पार्टी के महान पुरुष हैं उनको हम लोग हर समय याद करते हैं। आज उनका दिन है तो हम लोगों ने सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित करी है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने बहुत योगदान दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार है, आदरणीय मोदी जी की अगुवाई में हम लोग आज इस देश में कहीं ना कहीं सत्ता में है तो उसमें बहुत बड़ा योगदान अरुण जेटली जी का है। तो हमने आज श्रद्धांजलि कार्यक्रम यहाँ पर रखा है, सभी कार्यकर्ताओं ने उनको तो उनको श्रद्धांजलि अर्पित करी है और ऐसे सभी कार्यक्रम हमारे मंडलों में हमारे जो MLA साहब हैं, हमारे चेयरमैन हैं, ऐसे हमारे प्रमुख कार्यकर्ता हैं तो आज बहुत से कार्यक्रम उनको याद करने के लिए हमने रखे हैं। अभी हम लोग जिला के कार्यालय में हैं, मेरे साथ आपने देखा हमारे जिला के जितने भी पदाधिकारी हैं, हमारे जो मंडलों के अध्यक्ष हैं, हमारे जो चेयरमैन हैं, हमारे MLAs हैं, सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं ने आज उनको श्रद्धांजलि अर्पित करी है। तो आज के दिन पर मैं यही कहूँगा कि माननीय अरुण जेटली जी ने जो सपना एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का किस प्रकार से होना चाहिए तो आज वो समय मैं कहूँगा उनकी मेहनत कहीं ना कहीं रंग लाई है। आदरणीय मोदी जी की अगुवाई में हम इस देश को कहीं ना कहीं लीड कर रहे हैं, पूरे विश्व को लीड कर रहे हैं तो उसमें बहुत बड़ा योगदान अरुण जेटली जी का है। तो आज उनका दिन है, हमने उनको याद करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित करी है, सभी कार्यकर्ताओं ने उनको याद किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज कार्यक्रम हमारा जो कठुआ पार्टी ऑफिस में रखा गया है, अरुण जेटली जी को श्रद्धांजलि समारोह का कार्यक्रम था और सारे कार्यकर्ता जितने भी हमारे ऑफिस में वो सभी यहाँ पे आए थे और अपने अपने श्रद्धा सुमन उन्होंने अर्पित किए हैं। और अरुण जेटली हमारे एक ऐसे महान पुरुष थे जिन्होंने हमारे खास करके उनका हमारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट से हीरानगर से बड़ा लगाव था, उन्होंने शादी भी यहाँ की थी और हमेशा वो हीरानगर की बात करते थे। मुझे याद है जब मैं लास्ट टाइम उनसे मिला था दिल्ली में तो उनकी सेहत थोड़ी ठीक नहीं थी, मुझे मिलने का मौका मिला, जैसे मैंने पर्ची भेजी अंदर कि मैं हीरानगर से हूँ करण कुमार अत्री, तो उन्होंने तुरंत मुझे अंदर बुला लिया और उनसे हमारी काफ़ी बात हुई हीरानगर के बारे में। उन्होंने एक एक चीज़ पूछी हमारे क्या चल रहा है, कैसे कैसे हमारे काम चल रहे हैं, पूरा उन्होंने एक एक चीज़ विस्तार से पूछी और वो एक महान पुरुष थे। उनकी वजह से आज हमारा अगर पूरा जम्मू कश्मीर में इतनी सीटें निकली हैं जहाँ हमारे पूरे हिंदुस्तान में हमारी जितनी अपनी सरकार बनी है ये सब उनके योगदान से है और वो एक बहुत उच्च कोटि के नेता थे। आज उनको सारे कार्यकर्ता याद कर रहे हैं और जगह जगह उनका आज जो श्रद्धांजलि समारोह मनाया जा रहा है।